गेट मोबाइल मार्केट और कपड़ा जूता चप्पल मार्केट पूरा 100% बंद रखा है। और बंद इसलिए रखा गया है कि जो वैजापुर का जो महाराज है, जो भगवा आतंकवाद महाराज, जिसने हमारे रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करा है, मैं पुलिस आयुक्त माननीय पुलिस आयुक्त साहब से विनंती करता कि उन्होंने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उसके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, देशद्रोही का गुना दाखिल करना चाहिए। अभी आज जो हमारे हुजूर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जिससे हम पूरा दुनिया मानती है उनको, हम अल्लाह के बाद उनको मानते हैं, और उन्होंने उनके बारे में जो गलत सलत बात करा है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को ये जो है तो बहुत भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसीलिए हमने जो है तो आज बंद का ऐलान करा है पैठन गेट मार्केट। देखिए आज हमने पैठन गेट मोबाइल मार्केट और कपड़ा जूता चप्पल मार्केट पूरा 100% बंद रखा है। और बंद इसलिए रखा गया है कि जो वैजापुर का जो महाराज है, जो भगवा आतंकवाद महाराज, जिसने हमारे रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करा है, मैं पुलिस आयुक्त माननीय पुलिस आयुक्त साहब से विनंती करता कि उन्होंने उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, उसके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए, देशद्रोही का गुना दाखिल करना चाहिए। अभी आज जो हमारे हुजूर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जिससे हम पूरा दुनिया मानती है उनको, हम अल्लाह के बाद उनको मानते हैं, और उन्होंने उनके बारे में जो गलत सलत बात करा है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को ये जो है तो बहुत भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसीलिए हमने जो है तो आज बंद का ऐलान करा है पैठन गेट मार्केट तिलक रोड तक पूरा। इंशाल्लाह 3 बजे 3:30 बजे हमको सीपी साहब का टाइमिंग मिला है, हम जाके अभी सीपी साहब को उसके खिलाफ महाराज के एक निवेदन देंगे, लोकशाही मार्ग से उसके ऊपर गुनाह दाखिल कराने की पूरी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अगर उसके ऊपर गुनाह दाखिल नहीं हुआ तो हम रोड पर आंदोलन धरना आंदोलन भी करेंगे इंशाल्लाह। कल जो वैजापुर के अंदर वाकया हुआ, जो रामगिरी महाराज ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, ऐसे महाराज को सबसे पहले तो सजा होनी चाहिए, और उसके खिलाफ में जो कानूनी कार्रवाई जो हो रही है, तो हमारी ये मांग थी उसके अंदर सभी समाज के लोगों की तरफ से, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज की ये मांग थी कि उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए। आज पैठन गेट का मार्केट जो है, तो सलीम भाई की तरफ से औरंगाबाद शहर के पैठन गेट का जो मोबाइल का मार्केट है ख़ास तौर से, जिसको सलीम भाई देख रेख करते हैं, तो ये मार्केट सलीम भाई की तरफ से आज बंद किया गया। और यहाँ से नीचे अगर आप उतरेंगे तो सिटी चौक तक अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो गया है। ये एक विरोध हमने जताया है मुस्लिम समाज की तरफ से कि हम दुकानें अपने कारोबार बंद रख के ये विरोध जता रहे। और मैं एक बात और इसमें एक्स्ट्रा कहूँगा कि ये जो महाराज है, देखिए सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ कुत्ते शब्द इस्तेमाल किया था तो उनको 3-4 महीने जेल की सोबत बर्दाश्त करनी पड़ी, और ये महाराज ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। सबसे पहले तो हम मुसलमान जो है आशिक रसूल है, और आशिक रसूल ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम लोग। और मैं सभी से कहूंगा कि शांतिपूर्वक बंद रखिए अपना अपना। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।